उत्तराखंड में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला पिथौरागढ़ के मुख्यालय से लगे गढ़कोट ग्राम सभा के सुकौली का है, जहां गुलदार ने जानलेवा हमला कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक की पहचान बबलू के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है और जो मानसिक रूप से बीमार भी बताया जा रहा है। मृतक वड्डा का निवासी था, जो पिछले काफी समय से सुकौली में ही रह रहा था। वहीं देर रात गुलदार ने शख्स को अपना निवाला बना लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि गुलदार काफी लंबे समय से इलाके में दिखाई दे रहा है और कई मवेशियों पर हमला कर अपना निवाला बना चुका है। अब इंसान को भी गुलदार ने मार दिया है, जिसके बाद अब लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। साथ ही लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। जैसे कि ये घटना हुई है गांव में, मतलब 8-10 दिन पहले कुछ जानवरों को और खाया गया, तो ये तो जानवरों का मामला था। जैसे जिस हिसाब से कल यहाँ एक घटना हुई है जो इंसान को मार दिया, तो इस वजह से पूरे गांव में जो है एक भय का माहौल है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो है वन अधिकारी यहाँ पे जो है शाम को पिंजरा लगाएं और यह आश्वस्त करें गांव वालों को कि मतलब इस घटना में गांव वाले भी हमारा साथ देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पिंजरा लगे और मतलब इस बाघ को पकड़ा जाए। ये जैसे पता चला है मानसिक रूप से विकसित एक व्यक्ति जो है बबलू धामी, मणिगांव का रहने वाला, थाना जाजर देवल, मानसिक रूप से विकसित था, यहीं घूमता था वो। कल रात जो है बाघ ने उस पर जो हमला किया, उसको घायल करके कुछ मांस उसका खा रखा और जंगल की तरफ ले जा रहा था, तो बॉडी यहीं मिली, जिसकी सूचना जो है जनता द्वारा दी गई, जिस पर जो है पंचनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही। उधर ग्रामीणों की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट।